खाना पानी बनाने से पहले हम थोड़ा चिड़िया लोगों के दे दे खाना और पानी, सो दैट चिड़िया लोग भी हैप्पी हो जाए। बोला सलाम नमस्ते और सबके राम राम। आप सब लोग कैसे हैं? आप सबके हमारे चैनल में स्वागत है। तो आई होप आप सबके दिन आज अच्छा गए हैं और आगे चल के अच्छा ही बीती। सबके राम राम। हम वापस आ गया है और अच्छा से देखो शफला टोपी लगाए। आज हमारा आउटफिट है ग्रीन ग्रीन, तो हमारा टोपी भी ग्रीन ग्रीन मैचिंग है सब कुछ आज। तो अच्छा हम आप लोग को बताए दे कि हम कुछ बनाए लाए आज। आज हम बनाएगा सवई। हम लोग के अम्मा लोगों सवई पीजी में सिंपल बनाते हैं सवई और छोड़ के नॉर्मली। हम उसके थोड़ा ट्विस्ट लगाएगा, थोड़ा ओवर टाइम हमारा सवई मॉडिफाई हो गए। सवई विद अ ट्विस्ट। चलो स्टार्ट करो। ये हमारा पैन अभी हम गरमाई के सिन रखा है और ये हमार सब इंग्रेडिएंट्स है। तो जस्ट बिकॉज हम आउटडोर कुकिंग करता है हमने मतलब हमार सवई में कोई किरवा गिर जाए तो हम उसके कवा करके रखा है सब अपन इंग्रेडिएंट्स के। अच्छा अभी हम घी छोड़ दिया है, घी थोड़ा गर्म होए तो फिर जब घी गर्म हो जाए और घी हम अपने से बनाया होम मेड घी फ्रॉम बटर। हम घी नहीं खरीदता उसमें टू मच ऑफ मिलावट। तो इसमें हम छोड़ता है जीरा। हमार अम्मा लोगन जीरा छोड़ के सवई बनाते हैं फीची में, तो हम सब टाइम जीरा छोड़ के बनाते। तो जीरा का भी थोड़ा नरम आई मीन नॉट नरम बट अब जीरा थोड़ा गर्माए के है तब इसमें हम छोड़ेगा थोड़ा से मूंग के दाल। तो अभी मूंग का दाल भी चाय है अच्छा से। ओह तो उड़े लगा इसमें हम अब छोड़ेगा कद्दू। कद्दू हम पहले से बॉइल कर लिया रहा कद्दू, नहीं तो फिर अगर कद्दू नहीं है फ्रेश कद्दू सीधा सेम टाइम काट के भी सबका पकाए तो थोड़ा देर पकाए पड़े बस वही डिफरेंस है। अगर पहले से थोड़ा सा पका लिया तो बनाए ला टाइम टाइम सेव हो। तो इसके पकन दो, जब कद्दू थोड़ा और पक जाए तब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट छोड़ेगा। कद्दू अभी पके थोड़ा और पक जाए तो इसमें हम फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट छोड़ेगा। कद्दू पक गए हैं, इसके स्मेल इतना नाइस है हमने वो बचपन के दिन याद आएंगे जब हमारे अम्मा हमों के कद्दू की पुडिंग बना के खवात रही। लेकिन इतना मॉडिफाइड नहीं रहा खाली कद्दू का पुडिंग रहा, हम इसकी मॉडिफाइड थोड़ा कर दिया है बट स्मेल सो गुड। और थोड़ा और मंगो पको थोड़ा से और अच्छे से जो ब्राउन हो जाए तो और अच्छा लगे। अब हम कद्दू अच्छा से
जाए गए हैं और स्मेल भी नाइस करे लगा। अब इसमें हम थोड़ा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है सवाई। सवाई के हम पहले वो करा है, ड्राई रोस्ट करा है और फिर उसके हम धोया। ड्राई रोस्ट के बाद में धोया तो हमें समय इसमें बहुत जो ढेर भूजे की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ऑलरेडी ड्राई रोस्ट है। इसमें सवाई और अंदाज से हम छोड़ते हैं, उसके कोई मेजरमेंट नहीं है। जिसके जोन मांगे ढेर सवाई कमती कद्दू तो ढेर सवाई छोड़ो, कमती कद्दू छोड़ो। अगर कोई मांगे लाइक बराबर जोगर, कोई मांगे खाली कद्दू के बोर्डिंग बनाए तो भी बनाओ। इसमें से माइनस करके सवाई अब इन्होंने अच्छे से मिक्स करो। कद्दू सवाई और मूंग की दाल मिक्स होएगी अच्छे से। पूरा देरी हम पकाएगा और कि घी में पूरा उसके फ्लेवर अच्छा से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट और मेजर इंग्रेडिएंट इस समय के उस दिन है मिल्क, जिसके बिना समय तो बने नहीं सके। और अभी समय के थोड़ा से बॉयल हो दो, फिर इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट छोड़ेगा। अब हमारा समय ऑलमोस्ट बॉयल हो रहा है तो उसमें हम छोड़ेगा रेजिन्स मतलब मुनक्का और आमंड्स, बादाम और ड्राइड ब्लूबेरीज, इतना चीज है इसमें। तो उसके हम इसमें छोड़ेगा कि सब अच्छा से सॉफ्ट हो जाए। और आप लोगों के पास जो फ्रूट्स एंड नट्स है वो छोड़ो, हमारे पास ये अवेलेबल था तो नहीं छोड़ा। आप लोगों के पास नहीं अवेलेबल है खाली मुनक्का छोड़ दो, तब पीजी में तो हम कम मालूम वो जमाना में तो लोगों के पास खाली मुनक्का रहता रहा। अभी तो बहुत रकम के चीज अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जब नहीं रहता तब सिंपल से बनाते हैं, उसमें भी बहुत टेस्ट रहा। और इसमें अब हम छोड़ेगा चीनी, हम छोड़ता है कोकोनट शुगर, बिकॉज हम कोकोनट शुगर यूज़ करता या तो फिर ब्राउन शुगर, नो वाइट शुगर। हम वाइट शुगर कभी नहीं खाता, वाइट शुगर इज़ अनहेल्दी शुगर। तो उसमें हम चीनी छोड़ी, चीनी भी टेस्ट हम थोड़ा छोड़ के देखे, घर में जने कमती है फिर हम छोड़ेगा बाद में, कि ढेर होएगी तो फिर मोलासेस हो जाए पूरा। तो मिक्स करो और इसके पकन दो, खोल मांगो अच्छा से। और बिकॉज इसमें पम्पकिन है, पम्पकिन के संग है सिनेमन गोज वेरी वेल, सिनेमन। तो हम सोचा कि हम थोड़ा सा सिनेमन भी इसमें स्प्रिंकल करी, थोड़ा सा स्प्रिंकल करो सिनेमन। But cinnamon and pumpkin go together very, very well. और उनके अभी
बॉयल हो दो अभी हम फिर वापस लौट के आएगा। अब सवाई अच्छा से बन गए हैं और रेडी टू ईट। और इसमें हम फाइनली छोड़ेगा रोस्टेड चिया सीड। बस आई लव चिया सीड। बस समय रेडी है, अभी हम इसके ठंडाई जाए तब हम इसके खाएगा। हमारा समय कॉकटेल समय तैयार है, अब हम इसके एंजॉय करेगा और आप लोग भी ट्राई करना और एंजॉय करना और हमें बताना कि आप लोग के कॉकटेल समय कैसे लगा। अगर आप सबके वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और हम फिर मिलेगा एक नवा वीडियो के साथ और तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखना और जय सिया राम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।